आगामी पर्वों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और इलाकों में अपराध पर लगाम लगाने के मकसद से प्रयागराज पुलिस ने अब नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पुलिस लोकल थाना इलाकों के संभ्रांत लोगों से संपर्क करके उनसे जुड़ रही है। इसका फायदा ये होगा कि गली मोहल्लों में जो अराजकता होती है या फिर कोई दबंगई के बल पर किसी को परेशान कर रहा है तो इसकी सूचना पुलिस के संपर्क में रहने वाला संभ्रांत नागरिक पुलिस को देगा और पुलिस की ईगल टीम मौके पर पहुंचकर एक्शन लेगी। आज इसकी शुरुआत तेज तर्रार पुलिस अफसर ACP पुष्कर वर्मा ने कर दी है। ACP पुष्कर वर्मा ने आज करेली, अतरसुइया और मुट्ठीगंज में संभ्रांत नागरिकों के साथ मीटिंग की और उन्हें जागरूक किया। इस मौके पर ताजियादारों से भी बात की गई। ACP ने साफ किया कि हर बार की तरह इस बार भी मुहर्रम सकुशल रूप से होगा और कोई भी नई परंपरा नहीं होगी जिससे कि आपसी सौहार्द बिगड़े। ACP पुष्कर वर्मा ने बताया कि इस बार संबंधित इलाके के ताजियादार के साथ एक चौकी इंचार्ज, एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल की टीम बनाई गई है जो ताजिया निकलने वाले रास्तों का निरीक्षण करेगी और बिजली के लटके तारों व सड़क के गड्ढों की जानकारी प्रशासनिक अफसरों को देगी ताकि कोई हादसा ना हो। जैसा कि आप सब अवगत हैं, आज सर्कल अतरसुइया में तीनों थानों में आज 20 कमेटी की मीटिंग ली गई। मीटिंग का जो एजेंडा था वो आगामी मुहर्रम का त्योहार और जगन्नाथ यात्रा के रूप में था और मेन मुख्य बिंदु जो थे वो परंपरागत जो रही है, जो भी जुलूस रहा है, जो रूट्स रहे हैं, ताजिए की हाइट, रूट और टाइमिंग के बारे में सभी ताजियादारों से बात की गई। सभी ताजियादारों को अवगत कराया गया कि जो पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है वही चलेगा। उसके अलावा जो भी प्रतिबंधित हैं, घोड़ा, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जुलूस के अंदर, उनको प्रतिबंधित किया गया है। नोडल कमेटी थाने की तरफ से बनाई गई है जो रूट्स का निरीक्षण करेंगी। ड्रोन टीम डिप्लॉय की जाएगी जिससे कि रूट्स का निरीक्षण करके जो भी लो हैंगिंग तार है या रोड पर गड्ढे हैं उनको प्रशासन को बताकर उनको सही करवा लिया। करेली, अतरसुइया और मुट्ठीगंज में हुई बैठक में ACP पुष्कर वर्मा ने लोगों से भी सुझाव मांगे। आगामी पर्व अच्छे से संपन्न हो इसके लिए ACP ने एक डिजिटल वॉलंटियर्स की टीम भी बनाई है जो अपने अपने इलाकों में पुलिस की निगरानी में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ेगी। इस ग्रुप में हर इलाकों का अपडेट रहेगा। ताजिया किस इलाके में है, कितनी देर में पहुंच रहा है या मौजूदा समय में ताजिया किधर है, ये सारा मोमेंट ग्रुप में अपडेट होता रहेगा। इस दौरान कोई भी अराजकता या अफवाह फैलाई गई तो संबंधित शख्स का डिटेल ग्रुप में आएगा जिससे पुलिस तुरंत ही गड़बड़ी फैलाने वाले पर एक्शन लेगी। ACP पुष्कर वर्मा ने बताया कि लोग जागरूक हैं इसलिए कोई अराजक तत्व अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप की एक नई पहल हम कर रहे हैं जो कि डिजिटल वॉलंटियर जिसमें सम्मिलित रहेंगे। उसमें कोई भी सूचना जो आती है, किसी भी प्रकार की जो भी सूचना आती है या जो अफवाह उड़ाई जाती है उसकी पुष्टि या खंडन करने में हम पीस कमेटी के मेंबर्स की मदद लेंगे और डिजिटल वॉलंटियर्स की मदद लेंगे।